हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मार्केट जैसे छोले भटूरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके मैं लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम के गरीब छोले को रात में भिंगो के रख दिया था। देखिए अच्छी तरह ये फूल गया है। अब हम इसे कुकर में डालकर बॉईल करेंगे। इसके साथ मैं इसमें 2 बड़ी इलायची और कुछ लौंग डालूँगी। देखिए मैंने इसे कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर देते हैं। ये देखिए 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें लौंग और बड़ी इलायची ऐड कर देती हूँ। डाल दिया है मैंने। इसमें मैं डालूँगी मीठा सोडा। मीठा सोडा हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1 पिंच के करीब हम डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल ज़रा सा हम डालेंगे। अब हम इसे 4 विसल लगाने तक पका लेंगे। तब तक हम चलते हैं भटूरे के लिए रेडी करते हैं डो। देखिए मैंने सारे सामान रख लिए हैं। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है। छोटे कटोरी से 1 कटोरा मैंने सूजी लिया है। सूजी मैंने यहाँ बारीक वाला यूज किया है, देख सकते हो आप। 5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे दही ली है। ये देखिए दही मेरी खट्टी नहीं है, नॉर्मल दही है ये। 3 चम्मच के करीब मैंने तेल लिया है। 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है। पानी मैंने लिया है डो बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं ये। चलिए हम पहले डो रेडी करते हैं। डो रेडी करने के लिए मैंने 1 गाढ़े बर्तन में मैदा डाल लिया है। इसके बाद मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। इन दोनों को मैं अच्छी तरह मिला ले रही हूँ। इसके बाद जो मैंने तेल लिया था मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब दही ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिया 4 चम्मच दही। साथ ही साथ सबसे पहले मैं इसमें मीठा सोडा ऐड करूँगी 1 पिंच के करीब, और 1 पिंच मैं इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दूँगी। तो चलिए पहले बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं हम। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। अब सभी को हमें आटों में अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब देखिए इस कंसिस्टेंसी में हम इसमें बिल्कुल 1-1 चम्मच करके पानी डालेंगे और आटा को अच्छी तरह इस तरह से डो रेडी करेंगे। गूंथ के हमें डो रेडी करना है। बीच बीच में हम 1-1 बूंद इसमें तेल डालेंगे और अच्छी तरह से हमें इस डो को रेडी करना है। इस तरह से गूंदना है हमें, देख सकते हो आप। थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अच्छी तरह से अगर हमारा आटा गूंधेगा, इसका डो रेडी होगा, तो भटूरा भी बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हम अच्छी तरह साइड कर देंगे और इसे अब हम 1/2 घंटा के लिए रेस्ट टाइम दे देंगे। इसे हम साइड कर देते हैं और चलते हैं हम आगे की प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम छोला बनाने के लिए मसाला रेडी करेंगे। तो मसाला रेडी करने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े प्याज, 1 टमाटर, थोड़ी सी लहसुन, यहाँ पे मैंने लिया है 4-5 साबुत लाल मिर्च और अदरक। इन सबको अच्छी तरह मैं छील के धोकर काट लूँगी और इनका पेस्ट रेडी कर लूँगी। अब चलते हैं हम आगे की प्रोसेस की तरफ। मैंने यहाँ छोले में तड़के के लिए 1 प्याज काट लिया है। बड़ा प्याज को मैंने बारीक काटा है, कुछ अदरक काटा है मैंने, हरा मिर्च काटा है मैंने, यहाँ पे जीरा ले लिया है। ये देखिए जो मैंने मसाला बनाया था उसका पेस्ट भी मेरा रेडी है। मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं जिसमें मैंने यहाँ पे लिया जीरा पाउडर, यहाँ लिया काश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, यहाँ धनिया पाउडर और हल्दी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है और मैं इसमें 3 चम्मच के करीब तेल डाल दे रही हूँ। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है हम इसमें तेजपत्ता और जीरा डाल देंगे। देखिए मैंने डाल दिया है। डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से इस तरह से थोड़ी देर के लिए भूनना है। अब मैं इसमें जो कटा हुआ अदरक था वो डालूंगी और इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। इन दोनों को थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें इसे।
अब मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ। जो कटा हुआ प्याज था हमारा वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। प्याज ऐड करने के बाद हमें इसे बिल्कुल सुनहरा होने तक अच्छी तरह भून लेना है। देखिए जब हमारा प्याज सुनहरा हो जाएगा तो मैं इसमें, देखिए हमारा प्याज सुनहरा हो गया है, अब हम इसमें जो पेस्ट बनाया था मैंने वो मैं इसमें रेडी कर देती हूँ। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से इस तरह से चला लेना है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं छोटे चम्मच से 1 चम्मच इसमें हल्दी डालूंगी। 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें जीरा पाउडर भी डाल दे रही हूँ। फिर 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और साथ ही साथ हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। जब सारे सूखे मसाला हम डाल देंगे उसके बाद हम सारे मसालों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से चलाते हुए आराम से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें, आप जितना नमक खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें नमक डाल सकते हैं। मैंने 1/2 चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं मसालों में और इसे ढककर छोड़ देते हैं। देखिए मसाला हमारा तेल छोड़ दिया है। इस टाइम पे मैं इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दे रही हूँ। कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये देख सकते हो आप। इसके बाद मैं इसमें जो हमें हमारे छोले जिसे मैंने 4 विसल लगाया था वो अच्छी तरह पक गए थे, अब मैं इसमें उस छोलों को डाल देती हूँ। इस तरह से मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसे डालने के बाद हम अच्छी तरह से मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। चलिए अच्छी तरह से हम इसे मिला लेते हैं। देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमें मसालों के साथ इसे अच्छी तरह भूनना है। इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे कि ढक देंगे और ढक के इसे हम 2 मिनट तक पकने देते हैं। देखिए 2 मिनट हो गया है, हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह भून गया है। इसे अच्छी तरह हम चलाते हैं इस तरह से, ये देखिए। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। आपको जितना ग्रेवी रखना है आप उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लीजिए। भटूरे के साथ थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है तो मैं इसमें 1.5 से 2 ग्लास के करीब पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद हम इसे ढककर अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए देखिए हमारा जो छोला है बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे इसमें मैं धनिया पाउडर, धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ। धनिया की पत्ती डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसमें फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे बंद करके रेस्टिंग टाइम दे देते हैं। देखिए देखिए हमारा छोला बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है ये। अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। छोला भी बन हमारा बन गया है, आटा भी हमारा गूंद गया है। अब हम सबसे पहले करारे आलू बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में छोले भटूरों के साथ आलू करारे ज़रूर मिलते हैं। ये देखिए मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए। इस तरह से मैंने एक बड़े आलू को काट लिया है, आप देख ले रहे हो, आप इसी तरह से काट लीजिएगा। और हम इसे धीमी आँच पर करारे होने तक पका लेंगे। तो चलिए इसे हम पकने देते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए इसे आप छोले भटूरों के साथ ज़रूर बनाइएगा, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा आलू बिल्कुल रेडी है, हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको मैं इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ। ये बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है छोले भटूरों के साथ। ये देखिए मैं आपको प्लेट में दिखाती हूँ, हमारा निकल गया है। अब हम इसमें सबसे पहले चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए चाट मसाला ज़रूर डालें इसमें। इसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर डाल दें इसमें आप। ये देखिए लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे।
चलिए हम इसमें नमक स्प्रिंकल कर देते हैं। इसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, हाथों से मिक्स कर ले ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाए आलू में। ये देखिए हमारा आलू भी रेडी है, इसे भी हम साइड कर लेते हैं। अब हम चलते हैं, जो हमने आटा गूंथ के रखा था उसे अच्छी तरह देख लेते हैं, एक बार उसे अच्छी तरह गूंथ लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी गोल गोल पेड़े बना लेंगे, जिस साइज के आपको बनाने हैं, छोटे बनाने हैं तो छोटे, बड़े बनाने हैं तो बड़े पेड़े बना लेंगे इस तरह से हम गोल गोल। ये देखिए अच्छे से हाथों से इसे गोल गोल कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे एक छोटे कटोरे में मैदा लिया है, मैं इसमें इस तरह से इसे डिप करूँगी और हम इसे बेल लेंगे। चलिए मैं बेल लेते हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ी छोटी ही बनाती हूँ। आपको जैसी पसंद है आप उसी हिसाब से इसको बेल लें। देखिए हमारा भटूरा भी बेल चुका है, मैं आपको एक दो और बेल के दिखा देती हूँ। ओके मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हम साइड कर लेते हैं पहले। ये देखिए थोड़ी लंबी वाली आप चाहें तो भी बना सकते हैं, जो मार्केट में मिलती है, मैंने ऐसे भी बेल के आपको दिखा दिया है, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब हम चलते हैं, हमारा तेल गर्म है, हम भटूरों को तल लेते हैं। तो चलिए हम डाल देते हैं भटूरों को कढ़ाई में, आराम से हम तलेंगे। देखिए हमारा भटूरा रेडी हो गया है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए इसी तरह हम और भी भटूरे तल के निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छा फूल गया हमारा भटूरा, है ना, हमारा भटूरा भी रेडी है। साथ ही साथ में इसमें हम एक बहुत ही टेस्टी सी 3-4 मिर्चे हम इसमें तल के निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। आप इसे वीकेंड पे बनाइए, अपने फैमिली को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है, वीकेंड स्पेशल डिश आप इसे बोल सकते हो। ये भटूरे और छोले की रेसिपी आप ज़रूर अपने घर में बनाएं, और आलू करारे आलू इसके साथ ज़रूर ही रखें, बहुत टेस्टी लगती है ये। मार्केट में जाओगे तो आपको इसी तरह से प्लेट में आपको मिलते हैं सर्व करके। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।